यहाँ सोफे पे भाई फोन चला रहा था एकदम मस्त। तुम लोग सुनोगे ना डर जाओगे भाई। क्या होता? चाचू का रूम पूरे पूरे एक महीने से लॉक है भाई। अंदर से आवाज आ रही है। सेम एक या दो बज रहे होंगे ऐसा कुछ। चार भाई भी खींच रहा है। बक सच में सुन रही है। हेलो अस्सलाम वालेकुम नमस्ते गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे आप सभी लोग? होप करता हूं गाइस आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे भाई। तो फिलहाल गाइस अभी देखो भाई दोपहर के 3 बज रहे हैं भाई। जस्ट हम लोगों ने नहावा लिया भाई एंड आज ना बहुत ज्यादा लेट उठे भाई सो के। मैं तो उठा हूँ भाई 1:00 बजे मस्त एकदम सो रहा था। जीशानो सभी स्कूल गए हुए थे अभी जस्ट वो लोग भी थोड़ी देर पहले आ रहे हैं भाई। एंड भाई साहब यहाँ पे देखो आराम फरमाया जा रहा है भाई। इरफान भी अभी जस्ट घर पे आ रहा है। कहाँ था भाई? घर पे ही था। जीशान कब आया तू स्कूल से? भाई मैं तो सो रहा था जब ही आया। तू क्यों नहीं जाता स्कूल? स्कूल हाँ। मैंने डेमो क्लासेस ले रखे हैं ना। डेमो क्लास? अरे हम लोग का ट्रिप जा रहा है। हम लोग का और तुम लोग का भी। तुम लोग का भी जाएगा? हाँ, साथ में। ओ भाई साहब 6 से 12 तक बच्चों का। हाँ कहाँ जाएगा ये बता। यहाँ से जानते हो यहाँ से पहले जाएंगे चंडीगढ़। चंडीगढ़ से बस से जाएंगे मनाली। उसके बाद फिर मनाली में अच्छे से घूमेंगे। ओ भाई मजे ही मजे। उसके बाद फिर जाएंगे शिमला भाई। भाई साहब इस बार जीशान का भी ट्रिप जा रहा है। कितने दिन का ट्रिप है? कितने? 1 हफ्ते का। मजे ही इस बार तो मजे ही। कब जा रहा है? ये जा रहा है अगले महीने भाई। हम लोग का मनाली ट्रिप जाने वाला था बट गाइस इसमें कुछ चेंजेस आए कि जीशान के भी क्लास वाले जाएंगे भाई। जीशान तू भी जाएगा ट्रिप पे? हाँ। कैसे? घर वाले अलाउ करेंगे तब ना। तू नहीं जाएगा? छोटे बच्चों का नहीं वो है। कैंसिल करवा देना। 6 से 12 तक बच्चों का। तो तू लेकिन नहीं जाएगा ना? वैसे ही वाले अलाउ नहीं करेंगे। अब्बा नहीं मानेंगे। अब्बा नहीं मानेंगे। फैसल भाई ये नहीं जानता क्या कि हम लोग किससे जाएंगे? बोल किससे? बोल किससे? स्टेप नहीं लगता भाई पीछे से। तुमने बोलो क्या? बोल किससे? क्या रे नहीं बताएगा? नहीं। ये बता किससे जाएंगे? अच्छा अच्छा बता। बच्चे लोग को नहीं। मैं बता रहा हूँ यहाँ से ट्रेन से जाएंगे, ट्रेन से फिर बस से। बस से अभी तुमने बताया मुझे। ये माली अंकल है ये तो घंटी गजब भेजती। जाओ, चलेगा इरफान तू भी नहीं? जा सकते हैं बाहर के लोग। मुंबई जा रहा हूँ। तो भाई यहाँ से पूरा ट्रेन से जाएंगे सब लोग। मतलब पूरा समझ लो ट्रेन बुक होकर जाएगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है। अम्मी स्कूल का ट्रिप जा रहा है। जीशान बोल रहा है मैं भी जाऊंगा। जीशान क्यों जाएगा? नहीं जाएगा ना? ओ ए जीशान तू नहीं जाएगा? जाऊंगा अम्मी बोली है। अभी अम्मी मना कर रहे हैं, कल अब्बू मना कर रहे हैं। अब्बा नहीं मानेंगे। अब्बा नहीं मानेंगे। नेक्स्ट मंथ में हम लोग का ट्रिप जाएगा। बहुत ज्यादा मजा आएगा। और इस बार हमारा लास्ट ट्रिप है भाई। मतलब हमारा 12th है तो ये लास्ट ईयर है भाई। जितना एंजॉय करना इसी में कर लेंगे। और ये पढ़ता है इसीलिए ताकि जब इसका ट्रिप निकले तब ये जाए स्कूल। वरना भाई मजा आता है ट्रिप में। लिटरली बहुत मजा आता है भाई जाने में। जो जो स्कूल ट्रिप गया होगा अभी भी उसको याद होगा भाई। तू भी गया है ना? नहीं। कहाँ गया? मैं वैसे ट्रिप पे गया स्कूल के साइड। ये नेपाल वगैरह गया था ना ट्रिप पे? गया था ना? नहीं याद है मुझे। याद भी नहीं है भाई। गया ही नहीं है क्या? याद होगा। तो भाई फिलहाल अभी देखो हम लोग गाड़ी में आ गए और जीशान यहाँ पीछे छुप गया है भाई। इरफान के साथ हम लोग प्रैंक करेंगे। देख रहा हूँ क्या? दिख रहा है जीशान बैठा हुआ। तो देख लिया कैसे रे इसको? दिख रहा है से ना साफ साफ। कहाँ से? यहाँ से बैठा है। तो फिलहाल भाई अभी देखो हम लोग गाड़ी में आ गए। अभी चल रहे हम लोग चौराहे पे। जीशान का एक पार्सल आया हुआ है वो भी लेके आना है भाई। और ऐसे कुछ खा पी के आएंगे मस्त एकदम घूम के। चले चलो। और ये देखो भाई साहब हमारा जो रोड था मेन वाला गांव में इंटर करने वाला बहुत ज्यादा खराब था भाई। अब बनना स्टार्ट हो गया है। यस अब मजा आएगा भाई। और ये जानते हैं कौन सा रोड है? आरसीसी वाला। ये देखो भाई काम फाइनली स्टार्ट हो गया रोड का। ये देखो अब फाइनली हमारा रोड बन जाएगा। लॉकिंग करेंगे बगल में। हाँ बीच में वो रहेगा आरसीसी। जीशान का न्यू फ्लिप फ्लॉप आया है भाई। इसने ऑनलाइन मंगवाया है। हाँ बढ़िया लग रहा है रे। मस्त है भाई मस्त है। तो भाई साहब फिलहाल अभी देखो हम लोग खाने आ गए हैं भाई। वड़ा पाव फटाफट से। तू खा भी चुका भाई? फिलहाल भाई अभी देखो कुछ सामान भी लेना था हम लोगों ने ले लिया भाई। और अभी हम कैंपा पी रहे हैं भाई यहाँ पे। तो ये लो भाई फाइनली हम लोग आ चुके हैं रिटर्न भाई घर। और हाँ गाइस एक चीज और बताते हैं। कल भाई आप लोग को जीटी का कुछ अपडेट देना था मुझे। कल आराम से बताएंगे भाई अच्छे से वीडियो में। कुछ एक अपडेट है भाई। तो फाइनली भाई साहब अभी देखो घर पे रिटर्न आ चुके हैं भाई। और यहाँ पे देखो वल्ला अभी भी समीर कर रहा है भाई अपना वर्क कंप्लीट। ये कौन है भाई? ये मैं रखा हूँ। कहाँ है? ऐसे ही अच्छा लग रहा था। भाई वल्ला अभी भी समीर सुना की ट्रिप जा रहा है। हाँ मनाली। कब जाएगा? अगले महीने में। जाने का प्लान है कि नहीं? पता नहीं क्लास से अगर कोई जाएगा दोस्त लोग तो जाओ भाई। इस बार लास्ट ईयर है सब लोग चलो मजा आ जाएगा भाई। खतरनाक वाला।
तू कहाँ जा रहा है, तू क्यों लटक रहा है? ये लटक है ना भाई, जीशान जाने को भी नहीं पाएगा, फिर भी देखो इधर से उधर दौड़ रहा है, बोला मैं भी जाऊंगा। छोटे बच्चे नहीं अलाउ है, नहीं अलाउ है। तो भाई साहब फिलहाल अभी देखो रात के बज चुके हैं भाई 9, और जस्ट अभी अभी हम लोगों ने खाना वगैरह भी खा लिया भाई। बाय द वे गाइस, आप लोग को एक चीज बताना था, मैंने भूल गया था बताने के लिए भाई। कल भाई पता है मैं रात के आई थिंक 12 या 1 बज रहे थे, मैं बैठ के यहाँ सोफे पे भाई फोन चला रहा था एकदम मस्त। भाई मेरे साथ ना एक बहुत मतलब भूत वाली हरकत हुई थी, समझ लो। हाँ भाई तुम लोग सुनोगे ना डर जाओगे भाई। क्या होता भाई? एक्चुअली ना मैं सोफे पे बैठ के फोन चला रहा था एकदम मस्त भाई, मुझे कुछ भी नहीं पता था, रील स्क्रॉल कर रहा था बैठ के ऐसे मस्त एकदम, और 12 या 1 बजे थे, मुझे याद भी नहीं है सही से। और पता ही होगा भाई चाचू का रूम पूरे पूरे 1 महीने से लॉक है भाई, मतलब खुला भी नहीं है, ताला मारा हुआ है। तो भाई साहब पता है ऐसा मुझे लग रहा था ना कि अंदर जो चाचू का मतलब वॉशरूम वाला जो डोर है ना, कोई ऐसे खोल रहा था भाई, अंदर से आवाज आ रही। तो भाई साहब ये रहा देखो चाचू का रूम भाई, पूरे पूरे 1 महीने से लॉक है, ये देखो जाले वाले सब लग चुके हैं भाई अच्छे से। बट भाई मुझे रात में ऐसा लगा कि अंदर कोई वॉशरूम वाला डोर खोल रहा था भाई। अब वो मुझे पता नहीं है भाई क्या था लिटरली, बट मेरी फटके चार हो गई भाई, मैं अपने रूम में तुरंत भाग गया। अरे सुन सुन, कल क्या हुआ था मेरे साथ में? क्या हम लोग गोरखपुर से कल आए थे मालूम? हाँ हाँ। तो कल रात में लाइट भी नहीं थी, यहाँ की लाइट का भी हालत क्या है, एकदम खतरनाक भाई, गायब थी लाइट मालूम, करीब 1 या 2 बज रहे होंगे ऐसा कुछ था मालूम। और मतलब मैं सोया हुआ था अपने चारपाई पे, देखो उसकी फट रही है सच में, मतलब अजीब पता नहीं क्या अजीब किस्म का कुछ हो रहा था भाई। क्या हुआ? चारपाई के नीचे से लग रहा है कि चारपाई को खींच रहा है। बक सच में सुन पहले। हाँ तो फील हुआ था कोई चारपाई के नीचे है। हाँ मैं नीचे झुक के देख रहा हूँ तो कोई नहीं, कुछ मतलब तो कोई खींचा था, मतलब ऐसा लग रहा कोई खींच रहा है चारपाई। कुत्ता खींचेगा रे? कुत्ता थोड़ा खींचेगा, कुछ नहीं था चारपाई के नीचे, ऐसा फील होता है कि चारपाई के नीचे है। भाई साहब ये लो इरफान के साथ भी एक कांड हुआ है भाई, बोल रहा है कि रात में जब हम लोग रिटर्न आए थे गोरखपुर से, जिस चारपाई पे ये सोता है भाई, बोल रहा है नीचे से कोई खींच रहा था, और देखा तो कोई नहीं था। मुझे लगा ऐसा कोई कुत्ता उत्ता होगा, पहले मैं देख लेता हूँ, देखा नीचे तो कुछ नहीं था भाई वहाँ। जीशान संभल के रहना भाई, आजकल भूत वाली हरकतें हो रही है, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को बोलते हैं भाई। मेरे साथ भी हुआ, मेरी कसम से बताऊँ फटके चार हो गई थी भाई, मैं सोचा कि कौन खोल रहा है अंदर डोर, मैं तुरंत अपने रूम में भाग गया था। तुम्हारे घर में कोई भूत तो नहीं इरफान? भाई पता नहीं ऐसा कुछ तो हो भी सकता है भाई। भाई अपने इधर ना गांव वगैरह में बोलते हैं कि गांव वगैरह में भूत रहता है, तो भाई कुछ भी हो सकता है ना क्या हुआ ये कौन आ गया भाई? क्या जानते हो? क्या इरफान के साथ पता है क्या हुआ? इरफान के घर में भूत है भाई, ओए खुद ही भूत इनको देख के डर जाएगा भाई ये लो एक बेइज्जती कर दिया। अबे पता है ऐसे वहाँ लखनऊ होटल में हुआ था मेरे साथ। हाँ। तो ये साथ ही होता होटल में हुआ था, पागल है क्या बोल पता चलेगा, तभी एक बार डर के भागा था छत पे से, याद है? तो भाई साहब फिलहाल अभी देखो रात के बज चुके हैं भाई 12, एंड अभी गाइस हम लोग जा रहे थे कुछ मैगी वगैरह बनाने के लिए, थोड़ी बहुत भूख लग गई थी भाई, फटाफट से चलते मैगी बनाते हैं। बाय द वे गाइस अभी कर देता हूँ भाई इस ब्लॉग को एंड, क्योंकि अब हिम्मत नहीं है भाई, मैगी बनाऊंगा सीधे वीडियो एडिट करूंगा फिर सोना है भाई मस्त एकदम। फिलहाल अभी कर देते हैं इस वीडियो का एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट व्लॉग गाइस, चलो गाइस बाय।